जैसे हम पढ़ना शुरू कई के लिए पढ़ रहे हैं पढ़ने से सुन रहे हैं, कई को सुन रहे हैं, उद्देश्य के लिए नहीं सुनने से या पढ़ने से वो बात हो जाता है। उद्देश्य इसमें तो बनता है हमको समझदार होना, पहला उद्देश्य। अभी तक तो वो नहीं है, है ना, न्यायपूर्वक जीना, ठीक है ना, समाधान पूर्वक जीना, ये उद्देश्य आप बना ही सकते हैं, है ना। समाधान हर मुद्दे में चाहिए, क्यों कह सके उत्तर चाहिए, है ना, और क्या होना चाहिए ये भी होता है। ये तीनों चीज मिल जाने से वो देश बन जाता है, क्यों कैसा क्या होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो पता हो जाता है हम सुपूर्वक जीने के लिए हम मैंने सब पर ध्यान करते हैं, समाधान पूर्वक जीने के लिए ध्यान करते हैं, ठीक है, कौन कैसा है उसका उत्तर पाने के लिए ध्यान करते हैं, इतना ही बात है। ये उद्देश्य बनता है तो वो जो आगे की जो है ना क्रिएटिविटी बन जाती है, इन तीन जगह में जुड़ जाता है सब, परमाणु को कई को अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, तो हम परमाणु कई के लिए काम कर रहा है उसको हम देखने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, क्यों कर रहा है उसको अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे करने हैं करते हैं इसको देखने पर पता चला, तो एक से अधिक अंश एकत्रित होकर के गठन करते हैं, हाँ वो निश्चित आचरण में जीते, वो आचरण स्वयं में नियम है, वो नियम स्वयं में व्यवस्था, इतना ही बात, यहाँ से शुरू होता है। सहस्तित्व क्यों है, कैसा है, सहस्तित्व में जो ये व्यापक वस्तु है ये नित्य यथावत रहता है, सतत एक सविद्यमान रहता है, उसमें बदलाव नहीं होता है, आज ऐसा पारदर्शी पारगा में कल ऐसा पारदर्शी पारगा में ऐसा कुछ होता है, ये किस्सा रहता है, ये किस्सा आचरण करने के लिए प्रेरणा होते हैं। सहस्तित्व में भिगे रहने से ये प्रेरणा है, उसके आधार पर नियम यथावत रहता, इस ढंग से शोध होता है सब, इससे क्या हो गए हमको भी ऐसे ही रहना, ठीक है। अभी जो जहाँ पहुंचे हैं ये जो आज इस क्षण में जैसा है वैसा नहीं रहना है, आगे क्षण में वहां पहुंचा दिए, ऐसा बात हो, उसके बाद प्राण कोशा भी उसी अर्थ में है, रचना भी रासायनिक भौतिक रचना भी वैसे ही, थोड़ा सा उद्देश्य को सुदृढ़ बनाने से ये क्रिएटिविटी बन जाती पक्का। आप इस आयु में है जितना परिश्रम किए हैं उसके अनुसार हो जाए, इसमें काफी समय दिए हैं भाई।